एवरीवन, माय नेम इज़ ग्रेसी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एंड वेलकम बैक टू अ न्यू रिव्यू वीडियो जिसमें मैं बात करने वाली हूँ ब्लू हेवन के मस्कारा एंड आईलाइनर के बारे में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर दिया है देन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। सो गाइस, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सो मैं लेके आई हूँ मोस्ट अफोर्डेबल आईलाइनर एंड मस्कारा। जो लोग बिगिनर्स होते हैं, लाइक मैंने जब मेकअप यूज़ किया था मैंने जब मेकअप करना स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले यही दोनों प्रोडक्ट अपने आई के लिए यूज़ किए थे। एंड आई नो आई हैव अ गुड आई लैशेज, बट स्टिल आई वॉन्ट द कि मेरे को पास भी मस्कारा हो, बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट 500 and 600 ऑन माई मस्कारा। सो गाइज, आई एम सॉरी विद माई सर्व शर्व प्रॉब्लम। सो मस्कारा दोनों को एक ही समझ लेना आप। सो ये है मेरे पास ब्लू हेवन का आई लाइनर एंड मस्कारा। ये मेरे पास पेन वाला तो नहीं है, बट ये ब्रश वाला आई लाइनर मेरे पास है, एंड ये है इनका मस्कारा जो मोस्ट अफोर्डेबल रेंज में आता है। सो स्पेशली दिस इज द वीडियो फॉर, मतलब दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो ये वीडियो उनके लिए है एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके आईलाइनर के बारे में, सो इसका जो आईलाइनर है वो आता है ऐसे। पहले का तो पता नहीं, बट अभी इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे कर दिए हैं। लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में ब्लू हेवन का मतलब आईलाइनर यूज़ किया था, तब ये ऐसा इतना अच्छी पैकेजिंग में नहीं आता था, बट अभी इन्होंने बहुत अच्छी पैकेजिंग कर दी है। एंड यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन ब्लू हेवन गेट बोल्ड आईलाइनर वाटर प्रूफ सी ब्लैक डायमंड। एंड अभी इन्होंने चार कलर के वेरिएंट्स भी निकाल दिए हैं, ब्लैक डायमंड, फॉरेस्ट ग्रीन, पिकॉक ब्लू एंड रिगल ट्रस्ट। यू कैन सी आपको इसमें ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक चार कलर मिल जाते हैं। जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तो इसमें सिर्फ ब्लैक ही आता था, एंड अभी इन्होंने इसको नाम भी दे दिया है बोल्ड आईलाइनर वाटर प्रूफ। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, एंड आई जस्ट लव टू से दैट कि ये मेड इन इंडिया है। यू नो दिस, मतलब ये लोकल ब्रांड है, बट इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड, नॉट रेप्यूटेड, मतलब बहुत नामी ब्रांड है। ब्लू हेवन को हर कोई जानता है। सो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अभी आता है 60 rupees का, एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो आती है हमारी 7 ml, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है हमारी 3 साल। एंड देन अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये ऐसे आता है, इतनी छोटी सी इसकी ये बोतल आती है। ऑफकोर्स मैंने तो ब्लैक ही लिया था, एंड इट इज़ रिटन हियर ब्लू हेवन गेट बोल्ड आईलाइनर ब्लैक कलर में, और इस पर छोटू सी क्यूट सी बोतल है। ये मेरे को तो क्यूट लगती है, और इसका जो ब्रश है वो भी काफ़ी अच्छा है। यू कैन सी बट मतलब इसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर इसका ब्रश आगे से थोड़ा सा और पतला हो जाता तो, लेकिन इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, टेक्सचर इसका जो है वो काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहोगे ना, तो इस पर ना ऐसे मतलब इसका जो लिक्विड है ना वो ऐसे थोड़ा सूखने लगता है। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप देम क्लोज, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमेशा उसको बंद रखें। अभी अगर मैं इसको आपको टेक्स्चर दिखाऊँ, सो एज यू कैन सी एकदम प्रॉपर, एकदम ब्लैक, मतलब क्या मस्त, एकदम डार्क ब्लैक वाला आ रहा है। और अभी हम देखते हैं कि ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, बट ऑफकोर्स जब जब मैंने आईलाइनर लगाया, एक तो मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास मतलब ज़्यादा महंगे वाले आईलाइनर और मस्कारा है भी नहीं। सो आई एम अ लिपस्टिक पर्सन, आई एम नॉट मस्कारा और आईलाइनर। सो मैंने कभी ना ऐसे इसको बारिश में या फिर पानी में ऐसा नहीं करके देखा है कि मैं आपको बता सकूँ कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, स्मज प्रूफ है या नहीं है। ऑफकोर्स जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मैं अपने आपको ऐसे तो नहीं रगड़ूंगी कि मेरे को स्मज प्रूफ का पता पड़ सके, बट अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। इतना लगाने के बाद अभी पहले इसको सुखा लेते हैं। सो गाइस, इसको सूखने के बाद ना ये बहुत अच्छा कलर देता है। एज यू कैन सी कि ये ना थोड़ा सा ऐसे शाइनी इफेक्ट आपको दे रहा है। एंड अगर मैं इसको अपनी आंखों पे लगाऊंगी ना, तो मतलब यार ना फिर ना हटाने में बहुत दिक्कत होती है। एंड अभी ना मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो आई एम नॉट लाइकिंग कि मतलब मैं बैठ के मेकअप हटाऊंगी, तो मैं आपको यहीं पर ऐसे करके दिखा दूंगी। सो आई गेस अभी सूख गया है सारा, बट सी ये
ओ माई गॉड, स्मज प्रूफ नहीं है, स्मज प्रूफ तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ अगर कोई आलर न लगाता है वो अपने आँखों को कभी नहीं रगड़ेगा, ऐसे मसलेगा कभी नहीं। सो मतलब नहीं है ये यार, ये स्मज प्रूफ तो नहीं है, बट अगर ये स्मज प्रूफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये वाटर प्रूफ भी है, बट इन्होंने क्लेम किया है। बट अगर आप हो बिगिनर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई उस पर मत जाओ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गो फॉर दिस आईलाइनर। आई विल रेट इट 8 out of 10, इट इज़ गुड टू हैव। आप सोचो कि मैं तो मेकअप फिर भी कभी कभी कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये मैं यही यूज़ करती हूँ, तो इट इज़ गुड टू गो। एंड ये प्रोडक्ट अच्छा है, वर्थ है। आप कभी भी मतलब ऐसे सस्ते के चक्कर में किसी भी ऐसी मतलब प्रोडक्ट को मत उठाना, अगर आपको चाहिए एक अच्छा क्यूट अफोर्डेबल आईलाइनर गो फॉर ब्लू हेवन। सो अब हम बात करते हैं मस्कारा की। गाइज इसका जो डब्बा था वो पता नहीं कहाँ उड़ गया है, क्योंकि काफ़ी पुराना है मेरे पास, एंड दिस इज़ द ओनली मस्कारा आई हैव, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू आपके साथ डाल दिया जाए। सो अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ, कितना प्राइस था यार इसका, 110, 96, 9 under 100 आपको ये मिल जाएगा किसी भी साइट पे। लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसकी अगर अंदर से पैकेजिंग की बात करूँ तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू हेवन 10x वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। ये इन्होंने बोला है कि आपकी जो आईलैशेज है उससे 10x कर देगा आपके वॉल्यूम की, आपके आईलैशेस के वॉल्यूम को। सो इसकी जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो मिलती है 8 ml, एंड इसका ये अंदर से ना ब्रश इसका ऐसा है, ये ऐसा है। एंड उसका ना मतलब मुझे ना समझ नहीं आया, इसका जो प्रोडक्ट है ना वो ये इस वाले पार्ट पे नहीं लगता है, बट आगे लग जाता है और फिर इसमें अटक जाता है। बट आफ्टर इन दिस प्राइस रेंज इट इज़ गुड टू हैव। एंड इसका जो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई थी वो यही थी कि मतलब सारा प्रोडक्ट ना आपका यहीं पे ही लग जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है, और उसकी वजह से ना ये इफ़ेक्ट भी नहीं दे रहा है। लाइक सी अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो अपने उस पर तो ये लगेगा ही नहीं, तो आपको ना अच्छे से ना इसको ऐसे ऐसे करके तब आप लगाओगे तो शायद लग जाए। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है गाइस, तो इसी वजह से शायद इसको मैं इतना यूज भी नहीं कर पाई हूँ। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू जस्ट वॉन्ट टू ट्राई सो ही आप लेना, अदरवाइज अगर आपके अफोर्डेबल है हाई रेंज के मस्कारा लाइक 200-250 से ऊपर वाले तो आप उसके लिए जाएं, इसको ना लें। बट आप अगर बिगनर हो, आप बस स्टार्ट करो, आप बस ट्राई करना चाहते हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बट आई विल रेट इट 5 out of 10, क्योंकि इसकी ना जो इसकी टेक्स्चर है वो अच्छा है, जो इसका कलर जितनी जो डार्कनेस है वो बहुत अच्छी है, बट इसका जो ब्रश है शायद वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है। एंड सी कि वो हाथ पे ही नहीं दिख रहा है, तो आई लैशेज पर तो क्या ही दिखेगा। सो इट इज़ अ ओके प्रोडक्ट फॉर मी, सो या बट इट इज़ अफोर्डेबल ब्लू हेवन के प्रोडक्ट। तो मैंने सोचा कि अगर कोई बंदा या बंदी है जो ट्राई करना चाहता है सो रिव्यू शेयर किया जाए उनके साथ। सो यार अगर आपको वीडियो से मेरी थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दिस एंड ऑफ द वीडियो गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।